मैं गुरदेव सिंह, मैथ मास्टर, सरकारी हाई स्कूल कर कौर, जिला एस एस नगर। मेरे वालों सारे ही अध्यापक साहबान और बहुत ही प्यारे बच्चों को प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, जिहड़ा साडा अज का टॉपिक है वो दसवीं क्लास का निर्देश अंक ते ज्यामिति। ये अपना बहुत ही आसान चैप्टर बनाने की मैं कोशिश की है, तो उम्मीद करना कि जिहड़ा बच्चों ये काफ़ी सौखे तरीके नाल समझ आएगा। इस दे विच बच्चो आप गल करते हैं पहले निर्देश अंक ते ज्यामिति की। बच्चो तुहानू पता है कि किसी भी तल ते, तल भाव कोई भी स्पेस है, किसी बिंदु की अगर आप स्थिति निर्धारित करनी है, भाव असी देखना है कि वह बिंदु कित्थे है, तो सानू निर्देशक अंक दे एक जोड़े की जरूरत होंदी है, तां असी पता कर सकते भी वह अंक है कित्थे आ। किसी बिंदु दे वाई धुरे तो उस बिंदु दे एक्स निर्देशक अंक जां भुज। ये बच्चों कई बार पूछा जाता है कि एक्स धुरे दे निर्देशक अंक की कहा जाता है, तो की कहा जाता बच्चों भुज। किनू कहा जाता बच्चों? एक्स दे निर्देश अंक। और इस तरह बच्चों एक्स धुरे तो दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशक अंक उन्हूं की कहने बच्चों आप कोटी कोऑर्डिनेट। सो ये बच्चों जरूरी याद रखने, कई बार सानू एक नंबर च पूछ लेंदे ने कि एक्स दे निर्देशक अंक की कहिंदे ने ते वाई दे निर्देशक अंक की कहिंदे ने। तो बच्चों याद रहेगा एक्स का जिहड़ा निर्देशक अंक है वह भुज बनेगा, और जो बच्चों वाई का निर्देशक अंक है उसनू आपां कोटी भी कहने। हुण बच्चों जिवें मैं तुहानू दिखाया डायग्राम दे विच, देखो कि एक्स धुरे ते भाव आ जिहड़ा धुरा है देख रहे हो बच्चों, इस दे बच्चों जो निर्देशक अंक ने वह होणगे एक्स कौमा जीरो, भाव इस दे उत्ते एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की रहेगी जीरो रहेगी। तो जो भी आप अगर सवाल करांगे बेटे, मैं भी करांगा, तुसी भी करोगे, तो उहदे विच देखोगे कि आप जे एक्स के निर्देशक अंक लिखने ने तो आप एक्स कौमा जीरो या फिर उहदे उत्ते कोई कीमत दिती ही है एक्स धुरे तो लिख के कौमा जीरो पा देंगे, और वाई धुरे के उत्ते जो बच्चो उहदे निर्देशक अंक ने वह बनणगे जीरो कौमा वाई। सो बच्चों याद रखना बहुत ही जरूरी गल है थोड़े वास्ते सवालों को हल करने वास्ते। हुण आपां बच्चों आकृतियां दा ज्यामिति अध्ययन करन दे लई निर्देशक अंक और उहदे विच की लोड़ पएगी आपां नूं, बीजगणित साधना दे अलजैबरिक रूप, इस तों की भाव है बच्चों? अलजैबरिक टूल दे रूप विच विकसित कीती गई है। इस बीज गणित का प्रयोग करके ज्यामिति का ध्यान करने विच मदद करती है। बीज गणित नूं बच्चों ज्यामिति द्वारा समझाउण दे विच सहायक हुंदी है। इस कारण निर्देशक अंक ज्यामिति दे अलग अलग खेत्रां विच बहुत सारे उपयोग ने, जिहड़े कि आपां हुण अगे करांगे। हुण तुसीं देखो बच्चो एक सवाल जो थोड़ी इह बुक दे विच भी होएगा, देखो ध्यान नाल कि एक शहर है बी ते एक होर शहर है बच्चो ए तो 36 किलोमीटर, भाव 36 किलोमीटर पूर्व, आ देख रहे हो बच्चों, अते 15 किलोमीटर उत्तर वल है। असी शहर ए दी दूरी शहर बी तो दूरी बिना असल माप पता कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं पता? देखो बच्चों ए की हो गया अपने कोले लंब हो गया, और ए की बन गया बच्चों अपना आधार, ए बन गया अपना लंब, ए की हो गया करण भाव हाइपोटेन्यूस। तो आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा के इसका आप पता कर सकते हैं, शहर ए दी बी तो दूरी पता कर सकते हैं, भाव 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। जे आप करके देखिए बच्चों तो किमें आता, देखो बच्चों जे आप 36 का वर्ग किया प्लस 15 का वर्ग किया, कि बराबर है हाइपोटोन्यूस का स्केयर भाव करण का स्केयर। तो 36 का बच्चों कि बन गया 1296 प्लस 15 का वर्ग कि होंगे बच्चों पता है थोनों 225 एच स्केयर। तो जो बच्चों से इसको आप जोड़ा तो जोड़ बच्चों देखो इन्हों का कि बनता, जोड़ के देखो 11
12 5 एच स्क्वायर तो 1521 बच्चे अपने को 39 का बनता है तो 39 किलोमीटर है जी बच्चे वह शहर ए दी बी तो दूरी आ गई। इस तरह पता कर सकते बच्चों आप हूँ आप उस तो थोड़ा अगे चलते हैं बच्चो ये की है कि एक्स धुरे तो वाई धुरे तो स्थित ने बिंदु जोड़े आप हूँ लैने ने तो असी इन दार की दूरी पता करनी है दो बिंदु कि बच्चो ए 4.0 ये किड़े धुरे पर होएगा बच्चो देखो तुम देख के दस सकते हो 4.0 एक्स धुरे तो बी है बच्चो 6.0 तो यह भी किड़े धुरे पर होएगा बी धुरे पर यह डायग्राम मैं तुम्हें दिखाना पहला तुम देखो कि जिदे एक्स का मुल है और वाई का जीरो है तो किड़े धुरे पर होंगे बच्चो एक्स धुरे पर और बी भी एक्स धुरे पर है तो फिर असी बच्चों की दूरी कढ़ते हैं जिदे ओ ए की दूरी 4 है वह देखते हैं अपना डायग्राम के देखो ध्यान फिर पता लगेगा। आ देखो बच्चो मैं की कहा सीगा कि 4.0 किड़े धुरे पर आ गए बच्चो ये एक्स धुरे पर और 6.0 बच्चो किड़े धुरे पर आ गए एक्स धुरे पर तो आपने बच्चो दूरी कि क्ढ़ी सी पिछे ए बी की तो ए बी की दूरी बच्चों कि बनती है 6 - 4 = 2 तो फिर आप बच्चो वाई धुरे तो जोड़े बिंदु ले ने वो देखो कि देखो बच्चो 0.3 हूँ तो थानू डायग्राम भी दिख रहा नाल बनया होया कि 0.3 किड़े धुरे पर आ गए बच्चो बोलो किड़े ते ने वाई धुरे पर तो इस तरह बच्चो दूसरा जो अपने को मुल है डी का जो कीमत आप दत्ती हुई है वह है 0.8 तो यह भी किड़े धुरे पर होएगा वाई धुरे पर असी भी ये जिमें पहला ए बी की कीमत पता की आप सी डी की कीमत कढ़ते हाँ तो सी डी की कीमत की कढ़ेंगे बच्चों 8 - 3 कि बन गई बच्चो 5 इकाइया तो हूँ असी जिमें आप बच्चों पहला पाइथागोरस थ्योरम की वरतों की सी तो हूँ असी बच्चों ए तो सी की दूरी भी पता कर सकते हैं क्यों क्योंकि ए कि अपने को बच्चों 4 तो ए कि बच्चे अपने को 3 तो पता कर सकते हैं बच्चों ए सी की दूरी पाइथागोरस की थ्योरम करके कि ए सी की 2 बराबर है ओ ए की 2 प्लस ओ ए की 2 प्लस ओ बी की 2 ये पता कर सकते हैं बच्चों आप ओ सी की 2 फिर बच्चों आप बी और डी की दूरी भी पता कर सकते हैं हूँ ओ तो बी की दूरी कितनी बनती है बच्चों 6 तो ए की दूरी बच्चों कितनी बन गई 8 तो असी बी डी की भी दूरी पता कर सकते हैं जो कि साढ़े को बिंदु कितने स्थित ने बच्चों धुरे पर स्थित ने एक्स धुरे पर है वाई धुरे पर है तो उन्होंने विचकार की दूरी असी पता कर सकते हैं। इस तो अगे बच्चों हूँ असी दो बिंदु बच्चों इस तरह के लैने ने जिहड़े साढ़े को किसी धुरे पर स्थित नहीं होंगे भाव वो किसी न किसी चौथाई दे विच होंगे क्योंकि जो आप ग्राफ दी आप 4 लाइना खिंचते हैं तो उसके किन्ने हिस्से बनते हैं बच्चों 4 जिन्हों आप पहली चौथाई दूजी तीजी तो चौथी चौथाई तो हूँ बच्चों जोड़े असी दो अंक लवेंगे दो कीमत लवेंगे वो किसी भी धुरे पर स्थित नहीं होनगियां वो होनगियां किसी न किसी चौथाई दे विच तां डायग्राम मैं थोनों इहदा दिखाना पहले तुसीं देखो बच्चों कि पी का मुल 4.6 ते क्यू का मुल 6.8 भाव ये एक्स का मुल भी हैगा और वाई का मुल भी है और दोनों कादे ने बच्चों प्लस दे तो कि चौथाई दे आएंगे ये पहली दे विच फिर असी इन्हां दे विच कुछ परपेंडिकुलर ड्रा किए ने उन्हां दियां कीमतां कढ़ियां ने ये मैं थोनों डायग्राम के दसदा फिर आपां बच्चों दो कीमतें दे विच होर लईयां ने 4.0 ते 6.0 हुण देखदे हां बच्चों आपां इसदा डायग्राम देखो ध्यान नाल फिर तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। आ देखो असी की कीता बच्चों आर ते 4.0 भाव एक्स धुरा और एस ते की आ गया बच्चों 6.0 फिर असी इहदी चौथाई दे विच इक बिंदु लै लिया पी पी दा मुल है बच्चों 4.6 ते क्यू दा मुल है बच्चों 6.8
तो फिर असी लंब ड्रा किया बच्चों पी तो टी ते लंब ड्रा किया जो कि आर एस दे समान अंतर सीगा जो कि मैं ये दस्या भी है देख लो बच्चों दोबारा देख लो पी अते क्यू तो एक्स धुरे ते लंब क्रमवार पी आर अते क्यू एस ठीक है बच्चों पी तो क्यू एस नूं किसते कटता है बच्चों टी ते ते आर अते एस दे अंदर अंक की बन गए 4.0 अते 6.2 इसलिए आप फिर कीमत कढ़ते हैं आर एस की वो डायग्राम च मैं तुहानूं दिखावांगा 6-4 2 होएगी तो अपने को बच्चो जी कीमत होएगी टी एस की पी आर के बराबर वो 6 होएगी तो जो क्यू टी की बच्चों कीमत कढ़ांगे तो वह 2 इकाइयां बचेगी देखो आ देखो बच्चो पी टी आप पहले डायग्राम के भी हूँ पी टी की बच्चों आप डायरैक्ट कीमत नहीं कट सकते पी टी की कीमत क्ढन वास्ते कीमत बढ़नी पेगी बच्चों अपन आर और एस की तो आर एस की आप किमें क्ढी बच्चों 6-4 हूँ जो कीमत बच्चों आर ते एस की है उ कि है पी ते टी की है हाँ बच्चों ये जिहड़ा अपने कोल हैगा एस क्यू आ वाला इहदी कीमत बच्चों किन्नी है 8 ते टी एस की बच्चों कीमत किन्नी हैगी है दस सकते हो किन्नी है 6 ये बच्चों 8 है तो ये किन्नी हैगी है 6 तो जो बच्चों आप इहदी कीमत कढ़ांगे ये किन्नी बचेगी 2 बचेगी सो पहले डायग्राम विच भी दस्सिया सीगा मैं इस फिर ये दोबारा आएगा एक नैक्सट जो आप दूरी सूत्र ड्राइव करा बच्चों उस भी आएगा तो पाइथागोरस का थ्योरम जी आप इस ट्रायंगल दे विच लानी है बच्चों हुण इहदे विच पी टी की है बच्चों अपने को आधार है क्यू टी अपने को लंब है तो पी क्यू अपने को है करण हाइपोटेन्यूज तो आप पी क्यू का स्केयर पी टी का स्केयर प्लस क्यू टी का स्केयर भाव करण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो असी कीमत पा दी बच्चों 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 8 बन गया तो पी क्यू का जोड़ा मुल है बच्चों 2 वर्ग मुल 2 आ गया तो इस तरह बच्चों ये जोड़े इस चौथाई के आप अंक लेने किसी होर चौथाई के भी लैके आप हल कर सकते हैं तो ये की आएगा दत्ती हुई कीमत का वर्गमूल आएगा तो आप अलग अलग चौथाइयों भी बिंदु लैके उन्होंने आप दूरी पता कर सकते हैं हूँ बच्चों आप दूरी सूत्र पहला आप बच्चों क्वेश्चन किए इस उस दे विच मैं कुछ नंबरस ले ले सके गिणती दे किमें जिमें 6.4 0.4 4.6 इस तरह ले सके हूँ ये की करना बच्चों आप फार्मूला ड्राइव करना दूरी सूत्र का तो पी दे जिहड़े बिंदु ने बच्चों मैं ले ले x1 ते y1 आ देखो बच्चों डायग्राम दे विच भी देखो ध्यान नाल फिर क्यों क्यों दे किहड़े बिंदु ले बच्चों आप देखो ध्यान नाल x2 ते y2 ठीक है बच्चों फिर आप इन्हां दा दूरी पता करते हैं ओ आर आ देखो बच्चों आप डायग्राम दे विच देखते हैं कि ओ आर x1 है तो बच्चों ओ एस की होएगा x2 होएगा ठीक है तो जदों आप बच्चों आर एस की दूरी पता करांगे तो तुसीं दस सकते हो भी की बनेगी वह पहला भी आपां कीती सीगी वह नंबर सीगे आपां घटाते सीगे तो इहदे विच बच्चों आर एस अपने कोले बनेगा x2-x1 क्योंकि अलजबरिक हैगे ने आपां नहीं माइनस कर सिर्फ माइनस लिख सकते हैं तो इस तरह बच्चों असी फिर एस क्यू तो एस टी की हैल्प नाल आ देखो इहदा मुल ते इहदा मुल हुण जिहदे विच एस क्यू देखा जाए तो बच्चों की है y2 तो एस टी की है बच्चों y1 तो जो मुल पता करांगे तो की बन जाएगा बच्चों y2-y1 तो उस तरह बच्चों आपां नूं आधार दी बेस परपेंडिकुलर दा लंब दी दूरी पता लग गई पाइथागोरस की सहायता दे नाल आपां फिर बच्चों करण दा वर्ग करके आपां इस नूं हल करांगे पाइथागोरस दे विच आपां ने ट्रायंगल लै ली पी टी क्यू तो पी टी क्यू दे विच देखो बच्चों पी क्यू का वर्ग बराबर है पी टी स्केयर प्लस क्यू टी स्केयर
हूँ आप पी टी का मुल पता करना बचो जो आप उपर कढ़िया होया आ देखो किन्ना सीगा पी टी का मुल देखो बचो एक्स टू माइनस एक्स वन क्योंकि आर एस के मुल के बराबर ही पी टी का मुल है। फिर बचो अगे क्यू टी क्यू टी का आप किन्ना कढ़िया सीगा बचो मुल वाई टू माइनस वाई उन्हों का वर्ग की लिखते आप आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग तो असं आधार का वर्ग पाता और लंब का वर्ग पाता तो बचो जो पी क्यू स्केयर है जो आप पी क्यू का मुल पता करा तो इस दे उत्ते की आ जाएगा वर्ग मूल तो ये बचो अपना की बनया दूरी सूत्र कि जे आप किसी भी चौथाई के बिंदु दत्ते होना आप दूरी पता करनी है तो आ फार्मूला बचो अपने को एक्स टू माइनस एक्स वन सारे का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई वन सारे का वर्ग तो सारे का वर्ग मूल। एक दो गल बच्चे होर ध्यान रखनी है वो देखो कि दूरी जिहड़ी हैगी है कोई भी आप दूरी लैने वह हमेशा की होंगी है धनात्मक प्लस च आएगी तो केवल असी धनात्मक वर्ग मूल लवेंगे माइनस वाला नहीं लवेंगे। तो हूँ किसी दो बिंदु ने भाव एक्स वन वाई वन तो एक्स टू वाई टू उन्होंने जी विचकारली दूरी है बच्चों वो बनती है एक्स टू माइनस एक्स वन सारे का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई वन सारे का वर्ग तो यू बच्चों की कहने आप दूरी सूत्र तो दस सकते हो बच्चों की बनेगा कि पी क्यू बराबर है एक्स टू माइनस एक्स वन सारे का वर्ग प्लस वाई टू माइनस वाई वन सारे का वर्ग तो सारे का वर्गमूल यू कहने आप बच्चों दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। और ये एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना बच्चों जिहड़ी भी तुसी कीमत लैनी है वह हमेशा कादे च लैनी है प्लस च लैनी है धनात्मक ये जरूर ध्यान रखना इस दे विच। हुण बच्चों आपां एक क्वेश्चन देखते हैं तुसी देख रहे हो कि यह जमात दे विच कुछ डैक्स लगे हुए ने जिदे विच पहला डैक्स ए है तो दूसरा डैक्स बी है तो तीसरा डैक्स सी है इन्हां ते कुछ बच्चे बैठे ने। एक तो बच्चा जिहदा नाम आपां राणी रख्या वह ए ते है एक सीमा है बच्चा वह बी ते है एक सोनम है वह सी ते है तो इन्हां दे जिहड़ी बैठण दी जिहड़ी स्थिति है जिहड़े बिंदु ने इन्हां दे वह जिहड़ी ए दे है वह तां बच्चो हैगा 3.1 तुसीं देख भी सकते हो आ देखो 3.1 भाव एक्स का मुल हमेशा पहला आएगा और वाई का मुल बाद आएगा। फिर जो दूजी लड़की है सीमा वो बी है तो उसकी स्थिति की है बच्चो 6.4 भाव एक्स का मुल 6 ते वाई का मुल 4 ते तीजी बच्चो जी सोनम है उसकी जो बेंच की स्थिति है वह हैगी है 8.6 भाव एक्स के मुल किन्ने ने 8 ते वाई दे किन्ने ने बच्चो 6 तो असी ये देखना है कि बच्चे जो तीनों बच्चे बैठे ने क्लास दे विच इन्हें जो बेंच तो होर भी बच्चे बहुत लगे हुए हैं पर असी ये देखना है कि ये जो बेंच ने कि ये तीनों बेंच इको लाइन पर है इको लाइन बनती है इन बेंचों की तो की करते हैं बच्चों पहला ए और बी की दूरी पता करते हैं तो ए और बी की दूरी आप दूरी सूत्र नाल करांगे ए और बी दे अपने को देखो बच्चों दो मुल ने दूरी सूत्र लगावांगे ए बी 6-3 प्लस 4-1 सारे का की आ जाएगा बच्चों वर्गमूल तो की आ गया घटा के 6-3 बच जाएगा 3 का वर्ग कितना बचेगा बच्चों 9 तो दूजे पास 4 दे विच्चों 1 घटाओगे 3-3 का वर्ग कितना बन जाएगा 9 जब आप बच्चों इसमें जोड़ांगे तो यह बन गया वर्गमूल 18। हूँ बच्चों वर्गमूल 18 जो पूरा वर्ग तो नहीं है लेकिन आप इस फैक्टराइज कर सकते हैं 3 वर्गमूल 2 दे विच तो यह तो सी बच्चों पहले दो बच्चों की दूरी वह आ गई 3 वर्गमूल 2 कितनी आ गई बच्चों 3 वर्गमूल 2। हूँ आप बच्चों करते हैं बी ते सी दी दूरी तो बी और सी दे जिहड़े आपां नूं अक्षर दत्ते ने बच्चों जो मुल दत्ते ने 6.4 ते 8.6 तो बी सी दी दूरी आपां पता की बच्चों 8-6 दूरी सूत्र के राही और 6-4
तो ये की होएगा बच्चो, अठ दे विचों छे घटावे दो, दो दा वर्ग कि बन गया बच्चो चार, इधर भी यदा वर्ग है चार, तो यह आ गया बच्चों वर्गमूल अठ। हूँ बच्चों वर्गमूल अठ भी किसी का पूरा वर्ग नहीं है, तो उन्होंने भी असं दो वर्गमूल दो लिख सकते हैं। हूँ अपने को और सी की दूरी, पहले तो अखीरले बच्चे की भाव राणी तो सोनम की दूरी, उन्होंने जोड़े मुल ने बच्चो ये देखने ने ए का ए है तो सी का ए है, तो की लिखांगे असी अठ माइनस तीन, तो दूजा की है बच्चों छे माइनस एक, तो अठ माइनस तीन बच्चों पांच, पांच का वर्ग कितना बन गया बच्चों पच्ची, छे चो एक कढ़िया पांच पच्ची, तो वर्गमूल पंजा। हुण बच्चों जिहड़ा वर्गमूल पंजा हैगा ये भी किसी का पूरा वर्ग नहीं हैगा, तो इसनों आपां फैक्टराइज करके गुणनखंड करके पांच वर्गमूल दो लिख सकते हैं। हूँ साढ़े को बच्चों कीमत आ गई तीन वर्गमूल दो, ते दो वर्गमूल दो, ते पांच वर्गमूल दो। हूँ देखते भी एक लाइन च बच्चे बैठे कि नहीं बैठे। जो तो बच्चों आप ए बी और बी सी की दूरी का जोड़ किया, ए बी की दूरी अपने को तीन वर्गमूल दो, बी सी की दूरी सी बच्चों दो वर्गमूल दो, जो असं जोड़ किया बच्चों पांच वर्गमूल दो बन गया। ये कि जोड़ है ए बी तो बी सी का, भाव ए बी दे विच बी सी प्लस की पांच वर्गमूल दो बन गया। यदा जोड़ बच्चो ए सी के बराबर है क्योंकि ए सी का मुल की सीगा अपने कोले पांच वर्गमूल दो, तो जो बच्चों दो दूरिया का जोड़ तीजी दूरी के बराबर होएगा तो वह तिने बिंदु बच्चों कादे च होणगे एक ही रेखा ते, जिन्हां नूं आपां कोलीनियर कहने हैं, समरेखी कोलीनियर एक ही रेखा ते। जदों दो भुजावां दा जोड़ उन्हां दी तीजी भुजा दे जोड़ दे बराबर होएगा तो बच्चों वो एक ही रेखा बनती है, कोलीनियर कहने आपां उसनूं या समरेखी। तो की है बच्चों इसलिए वो तिने एक ही लाइन ते बैठे ने या एक ही रेखा ते बैठे हैं। हुण बच्चों क्वेश्चन अपने को देखो, ये तुसी भी करना है नाल, मैं भी करना कि निर्धारित करो बिंदु दत्ते ने अपन एक कौमा पांच, दो कौमा तीन, तो माइनस दो कौमा ग्यारह। पहले बच्चों अपने दे विच इन्हां दे नाम लिख लैने आ कि पी एक कौमा पांच, तो क्यू दो कौमा तीन, आर माइनस दो कौमा माइनस ग्यारह। हमने बच्चों देखते अपना हल करके कि यह समरेखी हैं कि नहीं, तो पहला अपन बच्चे दे विच दूरी पता करनी पेगी पी क्यू की, ठीक है बच्चों। पी क्यू भाव इन दोनों की यह बन गया बच्चों दो माइनस एक सारे का वर्ग, ठीक है बच्चों, दो माइनस एक प्लस तीन माइनस पांच सारे का वर्ग, तो सारे का वर्गमूल। उन्हें हल करके आ गया बच्चों एक का वर्ग प्लस माइनस दो का वर्ग, एक का वर्ग बच्चों एक बन गया प्लस चार, ये आ गया बच्चों वर्गमूल पांच। पी और क्यू की दूरी, हूँ बच्चों आप क्यू तो आर की पता करते हैं। क्यू आर आ देखो बच्चों माइनस दो, इधरों भी माइनस दो आएगा सारे का वर्ग, प्लस आ की है बच्चों माइनस ग्यारह और माइनस तीन सारे का वर्ग। हुण बच्चों माइनस दो ते माइनस दो किन्ने बन गए, माइनस दे चार, क्योंकि माइनस के निशान हमेशा जुड़ते हैं। प्लस ये भी किन्ने बन गए बच्चों माइनस दे चौदह, ये तो किन्ना बन गया बच्चों सोलह प्लस एक सौ छियानवे, तो जोड़ के देखो बच्चों किन्ना बन गया बारह, ठीक है बच्चों। दो सौ बारह बन गया बच्चे,
6 ਤੇ 6 12 9 10 1 ਤੇ 11 ਤੇ 2 ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੀ ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੀ ਤੇ ਆਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ 1 ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਸ 11 ਪਲੱਸ 5 ਮਾਈਨਸ 11 ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਸ 5 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਨੌ ਪਲੱਸ 256 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਤਾਂ 256 ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 9 15 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੁੱਲ 5 ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਰਗਮੁੱਲ 212 ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 265 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਮਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਮਰੇਖੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਐਕਸ ਕੌਮਾ ਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 7.1 ਅਤੇ 3.5 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵ ਪੀ ਏ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਪੀ ਏ ਦਾ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 7 ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਫਿਰ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 5 ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 7 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 5 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 49 ਮਾਈਨਸ 14 ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਦੀ 2 ਐਕਸ ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਦੀ 2 ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਦੀ 2 ਕੱਟਤਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਸ 14 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਵਾਈ ਪਲੱਸ 6 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 10 ਵਾਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 9 ਪਲੱਸ 25 ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ 49 ਅਤੇ 1 ਇੱਧਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 8 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 8 ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 16 ਮਾਈਨਸ ਕੋਮਨ ਲਿਆ
तो यह बन गया बच्चो एक्स माइनस वाई बराबर है दो। तो यह एक्स और वाई का बच्चो अपने को जो रिलेशन है वह बनया कि एक्स और वाई के समीकरण की बनती है जो इन्हों की दत्ते हुए बिंदुओं तो दूरी की होएगी बच्चो बराबर होएगी। हुण क्वेश्चन बच्चो ये है, तुम देख रहे हो ना क्वेश्चन, ये एक्स और वाई